हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ मैंने वर्मीसेली को ड्राई रोस्ट करने के लिए रख दिया है। हमारे यहाँ वर्मीसेली को जवे बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स करके एक बार ज़रूर बताइएगा। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर अलग रख लेंगे। फिर जो भी वेजिटेबल आपके पास है वो आप अच्छे से लंबा लंबा पतला पतला चॉप कर लें। यहाँ मेरे पास तीनों तरह की बेल पेपर थी तो मैंने उनको चॉप कर लिया है। थोड़ी गाजर और अनियन को भी चॉप कर लिया है। साथ के साथ मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया। जब पानी में थोड़ा सा बॉयल हो गया तब मैंने जो भुने हुए जवे थे वो डाल दिए और उसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लिया। उसका पानी अलग कर लेंगे और उसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। फिर लहसुन और लाल मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे और एक पैन में थोड़ा ऑयल ऐड कर देंगे और जो लहसुन और रेड चिल्ली का हमने कूट कर रखी थी उसको हमें अच्छे से भूनना है। फिर जो अनियन है उसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। हमें सारी वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पर सॉटे करना है। फिर जो भी सारी वेजिटेबल थी वो ऐड कर देंगे और बहुत ज़्यादा हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा हमें सब्जियों में क्रंच चाहिए। फिर इसमें ब्लैक पेपर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और उबले हुए जवे ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से मिक्स करना है, हमें मसाले बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं। जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। फिर ग्रीन चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे, इससे ना वर्मीसेली का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और थोड़े से भुने हुए तिल ऐड कर दिए हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। गर्मा गर्म इसे सर्व करें और एक बार मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।